टू बबीनाई टूअर। आज के ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं प्रियांशी और परी क्या कर रहे हैं आज। यूएस इंडिया पूरा वर्ल्ड घूमेंगे। प्रियांशी एंड परी आज जल्दी से उठ गए हैं। जल्दी से मतलब रोज तो उठते हैं वही 7:30-7 बजे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं शूटिंग कर रहे हैं तो। एंड उनका मॉर्निंग मतलब दोनों का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आएगा लर्न विद परी के चैनल में, जरूर देख। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग योगा कर रहे हैं एक टांग में खड़े होकर। देखते हैं 30 सेकंड ऐसे रहना और उसमें मैं ही थाईलैंड किधर है दिख भी नहीं रहा। थाईलैंड मुझे भी गया थाईलैंड। चलो गोवा चलाओ घूमो। कितना दूर घुमा पकते हो? चलो मैं भी एक फोटो ले लेता हूं। रुको इधर देखो इधर देखो। दीदी का एक्सरसाइज हो जाएगा घुमाने से। मैं उठा सकती हूं। चलो देखते हैं। नहीं नहीं उठाई थी ना तब। हाँ हो गया उठा दी। चलो अभी मेरा एक्सरसाइज और आपका एक्सरसाइज होगा। प्रियांशी क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? देख रहे हो परी क्लास चल रहा है? कब खत्म होगा? ओके खत्म होने के बाद मामा चौकुली बना रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। 9:20 ओके। अभी हम लोग नाश्ता खा रहे हैं। क्या? डोसा और चटनी। हम मैं भी थोड़ा डोसा चटनी और शुगर भी। चटनी और शुगर दोनों ही परी मिला के खाएंगे। एक सेकंड, ये एक अच्छा आइडिया एक्सप्लोर करने का। पहले थोड़ा सा चटनी में डिप करो, उसके बाद परी शुगर प्लीज। दोनों का टेस्ट एक ही जा रहा है। ये क्या बोला करना? पता नहीं, हम नहीं पूछे हैं वो उसकी। हाँ और ना अच्छा, इधर का लाइन कब कब जाता है बताऊं? जब भी हम शूट करते हैं और जब हमारा पढ़ाई का टाइम होता है उस टाइम में लाइन चली जाती है। हाँ। क्या करूँ बेटा, हम लोग तो इन्वर्टर लगाए। मामा का थूकना देखो, मामा का थूकना। मामा कितना गुस्सा हो रही थी, अब अभी शांत हो गए। अभी शांत हो गए है
को कट कर दो। तो ये मैं करेला कैसे कट की हूँ, उसका बीज सारा फेंक दी हूँ और कट करके रखी हूँ। एंड देखते हैं मम्मी क्या खाना बना रही हैं। तो देखिए मम्मी क्या क्या खाना बना रहे हैं। वो तो करेला मैं कट कर दी हूँ, दाल बन चुका है, परवल की सब्जी, क्या सब्जी है, परवल आलू एंड बेसन का सब्जी बना रहे हैं, बेसन का पकौड़ी, बेसन पकौड़ा का सब्जी और मिक्स वाला होगा ये प्रियांशी परी को पसंद है इसीलिए मामा बना रहे हैं उनके। तंगी आने से मुझे थोड़ा खाना बनाने से छुटकारा मिल जाता है। एंड प्रियांशी नहाने चली गई है, सी नहाने चली गई है और परी क्या कर रही है। परी तुम्हारा क्लास खत्म नहीं हुआ अभी तक? अभी बस। अच्छा दीदी का अभी गैप है, तुम्हारा जब अब ख़त्म हो गया है अब तुम नहाने चले जाना, ठीक है? ओके हाँ, अपने जगह पे रख देंगे। देखते हैं क्या सब्जी बन रहा है। मसाला का तो खुशबू कैसा आ रहा है प्रियांशी? खासी वाला। दाल बन चुका है और ये परवल पकौड़ा का सब्जी बन रहा है एंड करेला चिप्स बनेगा ना। हाँ चावल बन चुका है और मम्मी का पसीना देखो। काम करने में पसीना। और यहाँ बस घूम रही हूँ और कुछ काम नहीं है, जा रही हूँ। प्रियांशी और परी क्या करें, प्रियांशी तो नहाने चली गई है, नहा के आ गई है एंड परी क्या करे ये देखते हैं। परी तुम्हारा क्लास खत्म हो गया? मैं नहाने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मम्मी ने खाना बना लिया है, लंच प्रिपेयर हो गया है। ये एक सब्जी बनाया है मंचूरियन जैसा लग रहा है, जो पकोड़े की सब्जी एंड इसमें दाल बनाए हैं एंड ये है करेला का पत्ता का बड़ा बनाए हैं, मतलब करेला साग नहीं होता उसका बड़ा। एंड ये है करेला का चिप्स जो कि परी प्रियांशी खाएंगे कि नहीं पता नहीं, परी तो नहीं खा रही है, प्रियांशी भी पता नहीं। एंड इसमें पापड़ एंड बड़ी तल के रख दिए हैं मम्मी। तो अभी दोनों का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया था तो 2 बजे दोनों बहन लंच कर रहे थे। परी पहले उसका क्लास ख़त्म हो जाता है लेकिन वो प्रियांशी की वेट करती रहती है। एंड आज उन लोगों का, मतलब परी प्रियांशी का जो डेली रूटीन ब्लॉग वो भी शूट हो रहा था तो भैया उस उनके से माइक ले लिए थे और ये चारों खाने के लिए बैठ गए थे। और आज करेला का जो चिप्स बना था दोनों को पसंद नहीं लेकिन दोनों चावल में मिला के खा रहे थे आज। प्रियांशी को उसका पानी बस पसंद है, वो पी लेती है लेकिन चिप्स नहीं खाती है, कभी कभार खाती है कभी कभार नहीं खाती है। और अगर करेला को उबाल के उसका पानी मतलब दे देने से वो पी लेती है, उसके बाद कोई मीठा वाला चीज़ खा लेती है। कभी वीकली तो नहीं दे पाती हूँ, 15 दिन में एक बार उसको मैं करेला का जूस दे देती हूँ तो पीती है वो। हम जगे थे, परी भी जगी है। देखा वो चीटी तो ये भी जगी है। अच्छा मैं जगी हूँ। नहीं तुम सो गई हो, मेरा आँख खराब हो गया है, परी सो गई है। खुद को भी मत करो। जो लेना लो, पर ला दीदी आपको दीदी पता दीदी है दीदी की दीदी।
डिनर कर लिया है, लेकिन आज मैंने एक रोटी खाया क्योंकि हम लोगों ने जो चॉकलेट चैलेंज किए थे ना उसी के वजह से, और पेट में जगह नहीं, और हम जो बाहर गए थे तो हम लोगों ने क्या क्या खाए थे, पिज्जा और पेस्ट्री भी खाया था। इसलिए स्टोरी पढ़ रही है, परी क्या पढ़ रही हो बेटा? डायनासोर्स के बारे में। ओके, मूड खराब है पता नहीं क्यों। सो गुड नाइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो अभी वही बारी है ना वीडियो एंड करने की, मेरा फेवरेट पार्ट होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब अपने यूट्यूबर का एक न्यू वीडियो अपलोड होगा। बाय बाय, सी यू इन मम्मीज नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट। गुड नाइट।